हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। हमारे चैनल पे अवेलेबल लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोस को आप बहुत पसंद कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ मैं आपके लिए आ गई हूँ। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर एक सी सेक्शन डिलीवरी के लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं और डिलीवरी से जस्ट पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इस वीडियो की पूरी जानकारी जानने के लिए आप इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बस यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जब आपकी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू होने जा रही है, ऑपरेशन होगा, उससे पहले आपको बहुत अच्छे से कुछ खा पी लेना चाहिए या कुछ नहीं खाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाए, इसलिए क्या आपको खाना पीना चाहिए या आपको क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे ड्यूरिंग आपकी ऑपरेशन ऑफ सी सेक्शन डिलीवरी। तो यही जानने के लिए हम इस वीडियो में आज आ गए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी प्लान्ड है, उसके 8 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है। जनरली डॉक्टर्स जब आपको एडमिशन के लिए बुलाते हैं, उसके पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से खा पी के आए। क्या सॉलिड फूड हम ले सकते हैं डिलीवरी से पहले जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है? तो आंसर है नहीं। हम जब डिलीवरी होने वाली है उससे जस्ट पहले लगभग 8 घंटे पहले तक कुछ भी खाने पीने को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ खाते हैं और ऑपरेशन करना पड़ता है तो ऑपरेशन के लिए आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आपके पेट में ऑलरेडी कुछ हो, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे आपको एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉलिड्स जब भी आपको खाने हैं तो ऑपरेशन से 8 घंटे पहले ही खाएं, उसके बाद बिल्कुल ना खाएं। अक्सर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप ऑपरेशन के लिए एडमिट होने आ रहे हैं उससे पहले आप अच्छे से डिनर या लंच करके आएं, क्योंकि उसके बाद हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आपको बिल्कुल खाना भी अलाउड नहीं है और आपको स्नैक्स भी अलाउड नहीं है। इसीलिए आपको पहले से ही जो भी खाना है वो खा के जाएं और डिलीवरी के जस्ट 8 घंटे पहले आप कुछ भी सॉलिड फूड ना लें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपने मान लीजिए कुछ खाने पीने को ले लिया, बात नहीं मानी और कुछ खाया, तो कई बार चांसेस होते हैं कि आपको निमोनिया हो सकता है या ऐसे ही बहुत कुछ। अगर आपको निमोनिया हो जाता है वो बेटर है या कुछ टाइम भूखे रहकर ज़्यादा बेटर है। इसीलिए आपको खुद ये चूज करना है कि आप थोड़ा टाइम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन। इसीलिए डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल भी सॉलिड्स ना लें जब आपकी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू होने वाली है। दूसरी कंडीशन रहती है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि वाटर, क्या हम पानी पी सकते हैं? तो इसका भी आंसर है नहीं। हमें डिलीवरी के जस्ट पहले पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि आप पानी पिए। कई बार मदर्स बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती हैं, लेकिन इसमें भी आपको पानी नहीं पीना है। आपको ड्रिप्स लगा दी जाती हैं जिसके थ्रू आपको वाटर और साथ ही साथ ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो आप अपने लिप्स को थोड़ा थोड़ा सा वेट कर सकते हैं किसी कॉटन बॉल से या ऐसा कुछ यूज़ करके। तीसरा इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन, क्योंकि एनर्जी मेंटेन कर रही है तो क्या आपको जूस लेना चाहिए? तो इसका भी आंसर है नहीं, आपको जूस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी और उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, लेकिन आप पानी कंज्यूम ना करें, वही आपके लिए सेफ है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर आप जूस पीते हैं, वो भी आपको ऑपरेशन के पहले बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, इसलिए आप जूस भी नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ किसी भी तरीके के फ्रूट्स भी आपको नहीं कंज्यूम करना है। चौथी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहती है, वो है मेडिसिन। तो क्या आप मेडिसिन ले सकते हैं? इसके लिए आंसर ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो चल रही हैं, जैसे कि थायराइड या ऐसे ही किसी डिजीज की अगर मेडिसिन आपको चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये भी आपको बिना कंसल्टेशन के नहीं लेनी है। अगर मेडिसिन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपको डॉक्टर भी मना नहीं करेंगे, और अगर रुक सकते हैं तो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि थोड़े टाइम ये मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इस कंडीशन में बिना डॉक्टर के सजेशन के आप वो मेडिसिन बिल्कुल ना कंज्यूम करें। साथ ही साथ जब आप सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जब आप डिलीवरी के लिए एडमिट होने जा रहे हैं, उसके पहले आपको सजेस्ट रहता है कि आप एक वार्म बाथ ले लें, ताकि उससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं या यूट्रस है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सा वार्म बाथ लेकर जाएं, ये आपको रिलैक्स रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है,
और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि हे भगवान सी सेक्शन से डिलीवरी होगी, ऑपरेशन हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, डिलीवरी किसी भी मेथड से हो रही है उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, डिलीवरी हो रही है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपका बेबी सेफली आना चाहिए, आप सेफ होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। सातवां पॉइंट ये रहेगा कि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप अच्छे से म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट है वो आप पहले से रेडी करके रखें और उसे आप धीरे धीरे सुन सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी रिलैक्स होने में और आपको सूट करने में। और लास्ट इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन रहती है कि क्या डिलीवरी के लिए जाने से पहले आपको अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव करना है या एब्डोमिनल हेयर को रिमूव करना है। तो आंसर है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खुद वहाँ पे ये सारे काम कर देते हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्टर खुद उस पर एडिक्वेट एक्शन लेंगे, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम पे आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से माइंड मेकअप करना चाहिए। यह एनेस्थीसिया आपकी स्पाइन में दिया जाता है और इसको देने के बाद आप कॉन्शियस तो रहते हैं लेकिन आपकी बॉडी, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी आपका नंब हो जाता है। और ये टोटल प्रोसीजर आपका 30-40 मिनट्स चलता है, जिसमें आपके बेबी को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है और साथ ही साथ स्टिचेस को क्लोज किया जाता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपके बेबी को आपको शो करने के बाद, आपका ऑपरेशन क्लोज करने के बाद, आप जनरली अराउंड 2 आवर्स के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उस टाइम पर आपके हार्ट और आपकी बीपी को डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं और साथ ही साथ आपके बेबी को आपको देने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स आपकी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होते, बल्कि आप अनकॉन्शियस ही रहते हैं। और उसके बाद कुछ 2 घंटे के बाद आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस आनी शुरू होती है और आपके मूवमेंट धीरे धीरे करके स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ आवर्स आपको थोड़े ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं और लगभग 1-2 दिन के अंदर आपको डॉक्टर चलने फिरने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप जितना जल्दी चलने लग जाएंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो इसके जस्ट बाद में आपको पूरा बेड रेस्ट करने के लिए भी सजेस्टेड नहीं रहता है। और जब डिलीवरी हो जाती है और सी सेक्शन की डिलीवरी होती है, उसके बाद आप अपना कैसे ख्याल रखें और कैसे बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपने आप को सी सेक्शन डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं होप करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुई होगी रिलेटेड टू प्रिपरेशन फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर अवेलेबल वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे बाकी वीडियोज़ को चेकआउट करें। बाय बाय।